तो फ्रेंड्स, माय नेम इज हर्ष द्विवेदी एंड आई कैन वेलकम यू टू माय वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और टाइम मिला तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की भी बात करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स के बारे में बताया था, उसके बेसिस पे उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आपको मिड टर्म का कंसेप्ट बताया था, मिडिल टर्म का आपको करस्पॉन्डिंग पेयर से कंसेप्ट बताया था, और आपको दो तीन और कंसेप्ट बताया था जिसमें सीरियल नंबर जोड़ के हम लोग वैल्यू कॉन्स्टेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ये कुछ कंसेप्ट थे जो मैंने पिछले एपी की वीडियो में डिस्कस किए थे, और आई होप कि आपने उनको देखा है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कोशिश ये करिएगा कि जब आप अपनी बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करिएगा, और किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। बस इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स, उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप उस एग्जाम की स्पेसिफिक तैयारी करना। मतलब कि जो भी एग्जाम है, अब आप अगर कैट को छोड़ दो या जैट को छोड़ दो, तो थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल है, इनमें अजीब तरीके के सवाल आते हैं, हर साल अलग तरीके के सवाल आते हैं, तो इनमें कोई एक कहते हैं ना यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर आप बाकी एग्जाम्स में जाते हो, बैंक, पीओ, एसएससी, सीजीएल टाइप के जो एग्जाम है, एफसीआई है, इसमें क्या है कि इसमें एक ही तरीके के सवाल बार बार आ रहे हैं हर साल पे, तो उनका एक पैटर्न बन गया, तो उस पैटर्न को पकड़िएगा। तो डिपेंड करता है कि आप तैयारी कौन से एग्जाम की कर रहे हो। ठीक है, हालांकि जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो कॉन्सेप्ट्स में बता रहा हूँ वो इनफ है उनको देखने के लिए। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट्स में कमांड है तो किसी भी तरीके का सवाल हो सकता है, बशर्ते आपने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ा हो और ठीक से प्रैक्टिस करी हो। अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, नोट्स ब्लॉक में लिखे हैं, उसमें एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। क्या डेफिनेशन है कि नंबर इन अ सीरीज, द नंबर्स इन अ सीरीज आर सेड टू बी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एक सीरीज में जो नंबर्स हैं उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाएगा। When the numbers increase or decrease by a constant, जब वो नंबर डिक्रीज करते हैं या इंक्रीज करते हैं एक कॉन्स्टेंट के थ्रू, एंड दैट कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू द प्रीसीडिंग नंबर, और वो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होता है प्रीसीडिंग नंबर से। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है ए। एपी में भी हमने फर्स्ट टर्म ए लिया था, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, और यहां पर मैं फर्स्ट टर्म क्या ले रहा हूं, ए ही ले रहा हूं। ठीक है, तो मान लीजिए ए इसका फर्स्ट टर्म हो गया, और अगला टर्म जो इसका है वो है आर, ए आर। ठीक है, मान लीजिए इसका अगला टर्म है ए आर स्क्वायर, अगला टर्म ए आर क्यूब, अगला टर्म ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, सो ऑन चलता चला गया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, पहला टर्म ए है, उसके बाद एक टर्म से मल्टीप्लाई हुआ आर से, तो ये क्या बन गया ए आर, उसके बाद एक और टर्म आर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया ए आर स्क्वायर, फिर एक और बार एआर क्यूब, एक और बार एआर टू द पावर 4, एक और बार एआर टू द पावर 5। तो अगर ए फर्स्ट टर्म है तो यहां पे आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो। ए फर्स्ट टर्म है तो आर हो जाएगा आपका कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, और इस आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कुछ इस तरीके की लिखूं, 2, 4, 8, 16, 32, 64, सो ऑन, तो आपको देखना पहले दो है। ठीक है, तो यहां पे ए क्या हो गया, ए दो हो गया, और आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 4/2 या 8/4, कुछ भी बोल लीजिए, तो आर भी आपका 2 हो जाएगा। और अब आप ये 2 और 2 की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो आपको ये सीरीज मिलती चली जाएगी जो कि एक जीपी है। तो आप देख रहे हैं कि इस जीपी में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो जो टर्म्स है उनकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो ये किस तरीके की जीपी है, इंक्रीजिंग जीपी है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी जीपी दे रखी है -16, ठीक है, -8, -4, -2, -1, -1/2। अब ये एक जीपी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, पहला टर्म क्या है, -16 है, तो यहां पे ए क्या हो जाएगा, -16, आर क्या हो जाएगा, 1/2। क्यों, क्योंकि पहले टर्म -16 में आप बार बार कॉमन रेशियो 1/2 को मल्टीप्लाई करते जा रहे थे, -8, -1/4, -2, -1, -1/2, और बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो टर्म्स की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, पहली -16 है, फिर -8 है, कौन बढ़ा है, -8 बढ़ा है, फिर -8 -4, कौन बढ़ा है, -4 बढ़ा है, फिर -4 -2, कौन बढ़ा, -2 बढ़ा, फिर -1 बढ़ा। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो टर्म्स है उनकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इंक्रीजिंग जीपी। तो ये भी इंक्रीजिंग जीपी है, ये भी इंक्रीजिंग जीपी, फर्क क्या है, यहां पर टर्म शुरुआत के पॉजिटिव में या निगेटिव में। उसी तरीके से
अगर बात करें एक जीपी की, मान लीजिए 18 6 2 2 बाई 3 सो ऑन, तो पहले टर्म 18 है, यहां पे ए क्या है 18, ठीक है, यहां पे आर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, ए 18 आर 1/3, जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं टर्म्स घटते आ रहे हैं, 18 से छोटा 6, 6 से छोटा 2, 2 से छोटा 2/3, उससे छोटा 2/9 और ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये किस तरीके की जीपी है, वो एक डिक्रीजिंग जीपी है, ठीक है। और क्या कह सकते हो कि मान लीजिए पहला दे रखा है -1, -3, -9, -27, -81, -243 सो ऑन, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है -1, आर क्या है 3, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो a r square a r cube 8 r to the power 4 में आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे टर्म्स की वैल्यू घटती जा रही है, क्योंकि -3 -1 से छोटा है, -9 -3 से छोटा है, तो वैल्यू टर्म्स की घटती जा रही है, तो टर्म्स की वैल्यू घटने की वजह से ये जीपी भी कौन सी तरीके की जीपी हो जाएगी, डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगी। तो इंक्रीजिंग जीपी के दो टाइप्स देखे हमने, डिक्रीजिंग जीपी के दो टाइप्स देखे, ठीक है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए अब हम पता करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। सॉरी, मान लीजिए कोई दो है वेरिएबल्स ए और बी, इसके पीछे मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन जी डाल दिया, तो ये जी की वैल्यू क्या होगी, तो जी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप ये मान लेंगे कि ए जी और बी तीनों प्रोपोर्शन में, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में बताया था कि अगर तीन क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में तो हम क्या करते हैं, तो अगर हमको ए और बी का यू नो मीन निकालना है तो हमने बीच में एक नंबर इंसर्ट किया, एक मीन इंसर्ट किया जी, ज्योमेट्रिक मीन, और इस जी की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आप ये मानोगे कि तीनों टर्म्स प्रोपोर्शन में, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन जी इक्वल टू जी अपॉन बी, ये कितना बन जाएगा जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, ये बन जाएगा जी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, तो ये जी क्या हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ये तो तरीका मिला आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। अगर आपसे ये बोला जाए, अगर आपसे ये कहा जाए कि यार आपको ऐसे तीन टर्म्स एज्यूम करने हैं जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, आपसे ये बोला जाए कि आपको ऐसे तीन टर्म्स एज्यूम करने हो जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो आप कैसे एज्यूम करोगे, आप पहले टर्म को मानोगे ए बाई आर, उसके बाद वाले टर्म को मानोगे ए, उसके बाद वाले टर्म को मानोगे ए आर, ठीक है। ऐसा आप क्यों करोगे, ऐसा आप इसलिए करोगे यार क्योंकि अगर आप तीन टर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ऐसे मानते हो और उसने बोला कि इनका प्रोडक्ट 216 के बराबर है, तो आप देख सकते हो कि जब आप इनका प्रोडक्ट करोगे तो आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको केवल एक वेरिएबल मिलेगा। यानी जहां पे आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आए जहां पे आपको जो ऐसे तीन वैल्यूज को एज्यूम करना हो जो तीनों जीपी में हो, तो आप कुछ इस तरीके की वैल्यूज को एज्यूम करोगे। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाता कि आप ऐसे पांच टर्म्स को एज्यूम करिए जो जीपी में, तो फिर आप क्या एज्यूम करोगे, फिर आप ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए ए आर स्क्वायर, ये थ्री टर्म्स है, ये फाइव टर्म्स है, फाइव टर्म्स है, ए अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर फिर ए फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, हर टर्म में आप आर आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, तो कॉमन रेशियो क्या हो गया आर, ये फाइव टर्म्स ये थ्री टर्म्स, यानी जीपी को एज्यूम करने में तीन टर्म्स ही करनी तो ये हो गया, फाइव टर्म्स ही करनी तो ये हो गया। मान लीजिए आपको फोर टर्म्स की जीपी एज्यूम करनी है, ठीक है, तो फोर टर्म्स की जीपी एज्यूम करनी, तो आप क्या मानोगे, ए बाई आर क्यूब ले लो अगला पहला, फिर ले लो ए बाई आर, फिर ले लो ए आर, फिर ले लो ए आर क्यूब, ये आपने फोर टर्म्स की जीपी को एज्यूम किया। कैसे किया, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे फर्स्ट टर्म है अपॉन आर क्यूब, लेकिन यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहां पे कॉमन डिस्टेंस है आर स्क्वायर, यानी आप हर टर्म में आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको अगला टर्म मिल रहा है, ठीक है भाई। तो अभी तक मेरे हिसाब से ये चीजें कुछ हद तक आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ठीक है, ये जो ज्योमेट्रिक मीन है इसका अगर हम रिलेशन निकालना चाहें अर्थमेटिक मीन से, अगर मुझे पता करना हो कि जो ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है क्या ये अर्थमेटिक मीन से बड़ा है या ये अर्थमेटिक मीन से छोटा है, अगर हम ये पता करने की कोशिश करें तो एक काम करते हैं, ठीक है, अगर इसी ए और बी के मुझे बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना होता तो वो क्या होता, ए प्लस बी बाई टू, और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये क्या हुआ अंडर रूट ऑफ ए बी। मैं यहां पे चल रहा हूं मान के कि ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ये कंडीशन मैंने मानी, ठीक है। तो इन दोनों मुझे पता करना है कौन बड़ा है, मैं इसको यहां पे निगेटिव साइन लगा रहा हूं, ठीक है।
माइनस कर रहा हूं, क्योंकि अगर माइनस करने बाद ये क्वांटिटी मुझे अगर पॉजिटिव मिल जाती तो मुझे पता चल जाएगा कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि a प्लस बी बाई टू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ab, इसको मुझे प्लस में, ये प्रूफ करना है कि ये क्वांटिटी प्लस में होगी। तो प्रूफ करने के लिए मैं काम करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस टू रूट ab अपॉन टू। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। यानी फाइनली ये क्या बना, फाइनली ये बना अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। और आप कंफर्म करके बोल सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ये जो क्वांटिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इससे हमको क्या प्रूफ हो गया कि अगर ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी तो ये जो नंबर है, ठीक है, a प्लस बी बाई टू, ये a अंडर रूट ऑफ ab से बड़ा होगा, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमको एक ये बात पता चल गई, अगर जो दोनों जो दो डिजिट्स है a और b जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पॉजिटिव होना जरूरी है क्योंकि अंडर रूट ऑफ a, अगर a नेगेटिव हो जाएगा तो अंडर रूट डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए हमको उन वैल्यूज को पॉजिटिव मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो a और b दोनों पॉजिटिव हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बड़ा होगा हर हाल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ, आई हैव टोल्ड यू दैट सपोज आई एम अज्यूमिंग अ फर्स्ट टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a, एंड यू नो आई एम राइटिंग सीरीज समथिंग लाइक दिस ar ar स्क्वायर ar क्यूब ar टू द पावर 4 ar टू द पावर 4। सो हाउ एम आई मेकिंग दिस सीरीज, इन द फर्स्ट टर्म आई एम मल्टीप्लाइंग अ क्वांटिटी r एंड देन आई एम गोइंग ऑन मल्टीप्लाई क्वांटिटी r one times in every step. So I'm getting a series like this top type. This is a series which is known as a geometric progression in which the first term is denoted by a and the common ratio is denoted by r. Common ratio is the ratio of second term upon first term, ratio of third term upon second term, fourth term upon third term, fifth term upon fourth term, and so on. It goes like that. Okay, now how many types of GPs are there? There are basically two types of GP, increasing GP and decreasing GP. This is the example of increasing GP, this is the example of decreasing GP. This is first example of increasing GP. I'm really sorry, actually suffering from a bit of cold. A and B first example, 2, then 4, then 8, then 16, then 32, then 64. This is a series in which the R, common difference is 2, common ratio is 2. So not common difference, common ratio is this, and the first term A is 2. Okay, and if you are going to substitute the value of a as 2 and r as 2 in this equation, you are going to get this equation. So basically, the terms as we move to the right side are increasing. So this is an increasing GP. Similarly, see at this GP, the first term of this is negative, minus 16. Then comes minus 8. Then comes minus 4. Then comes minus 2. First term is minus of 16. And what is the ratio? Common ratio. The common ratio is 1 by 2. So if you are going to replace a is equals to minus 16 and r is equals to 1 by 2 here, this type of GT is formed. And as you go further in this GP, you're seeing that the numbers are increasing in quantity because minus 8 is greater than minus 16, minus 2 is greater than minus 4. So obviously this is also an increasing type of GP. And converse of this, here we come, this is decreasing type of GT. First 18, then 6, then 2, then 2 by 3, then 2 by 9. You are seeing that the terms are decreasing as we are going on the right hand side. First term is 18 and the common difference is 1 by 3. So we are got to know that this is a decreasing GP. And when we come to this, minus 1, minus 3, minus 9, minus 27. First term is minus 1 and R is, that is common ratio is equals to 3. So this, as we go on to the right hand side of the GP, the terms are decreasing. So this is also a decreasing GP. So there are totally two types of GPs. First is two types of increasing GP and two types of decreasing GP. Now coming on to my next thing, what does geometric mean? So in order to find out the geometric mean, it is very important. I assume two numbers a and b, and I suppose the geometric mean to be between them is g. So if I have inserted a geometric mean g between a and b, then I will say that a, g and b are in proportion. And when these three quantities are in proportion, in the proportion, as I was teaching proportion, you know, in concept I've told what will happen when three numbers are in proportion. Something like this will happen: a upon g will be equal to g upon b, which gives me g square is equal to ab, which comes down to g is equals to under root of ab. This g denotes the geometric mean between a and b. Now if in any question it is being asked to me that suppose three numbers who are in GP, so in that case, look at this, a upon r, a, ar. Okay, now here you can see that for
these are the three terms. So if someone is saying to me that assume three terms which are in GP, so you are going to assume something like this, A upon R, A to, next term is AR. Why I am going to assume like this? Because if I am going to multiply all of these terms, then this R in the denominator and R in the numerator will cancel out and I will get A cube. So obviously, when we assume three terms in a geometric progression, it is something like this. When you assume five terms in a geometric progression, it will be something like this, A upon R square, then A upon R, then A, then AR, then AR square. Why? Because when we are going to multiply all of these terms, R is going to cancel out. And similarly, when we have to assume four terms in a GP, I will assume something like this, A upon R cube, A upon R, AR, AR cube. Now, you should remember, in this series, first term is A upon R cube and the common ratio is R square, not R. Common ratio here is R square, not R. So while solving questions, you have to be very much clear in your mind what you are assuming as the common ratio and what you are assuming as the first term. This is the most common type of mistake which we make while we are solving questions. You know, in order to do the questions in a faster manner, we do make mistakes. Then next, I have discussed that if I have to compare arithmetic progression with geometric progression, which one will be bigger, arithmetic progression or geometric progression? So in this case, if I am inserting an arithmetic progression and geometric progression between two quantities A and B, I am assuming that these two quantities A and B are positive. Why I am assuming that? I will tell you afterwards. So this is A and B, geometric progression is under root of AB and arithmetic progression will be A plus B by 2. So I have done something like this, A plus B by 2 minus of under root of AB. If I am 100% able to make this term A plus B by 2 minus within bracket AB, that is square root of AB, then I will be pretty much sure that arithmetic progression will be greater than geometric progression. So I am going to solve this equation. It will be something like this, A plus B minus of 2 root AB upon 2. Now A will be equals to under root of A whole square, B will be equals to under root of B whole square, because A and B are positive quantities. Okay, so it will become under root of A minus under root of B whole square upon, you can write 2 as under root of 2 whole square, so it will become A under root of A minus under root of B upon under root of T whole square. And as this whole quantity is having a square outside the bracket, obviously this quantity is going to be positive. And if this quantity is going to be positive, I can sum up on the basis that if A and B are positive, arithmetic progression is always greater than geometric progression. I hope, friends, this thing is getting clear to you. Now, after this, I am going to see how to prove the sum of a geometric progression, or in how what is the formula of the infinite series. The sum of the formula of all the series of a GP, all the numbers of a GP which is infinite are. यानी कि अब हम फ्रेंड्स वो केस देखेंगे जिसमें हमको जीपी के सारे टर्म्स का सम निकालना है, और उस केस को भी देखेंगे जहां पे यू नो जीपी बहुत लंबी है, इनफाइनाइटली लंबी है, उसका नंबर का कोई एंड नहीं है. तो एक इनफाइनाइट जीपी के भी सारे टर्म्स का सम का हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, कोशिश करेंगे डिराइव करने की. तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ अ जीपी की. ठीक है, अब यार nth टर्म ऑफ अ जीपी अगर हमें निकालना हो, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक जीपी लिख रहा हूं, ठीक है, ए फिर ए आर स्क्वायर, वही अपना स्टैंडर्ड फॉर्म जीपी का, एंड सो ऑन, ए ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब. आप समझ सकते हैं जो जीपी का पहला टर्म है उसमें आर नहीं है. इसको आप काफी हद तक एपी से भी रिलेट कर सकते हो. एपी में क्या था, पहला टर्म आर नहीं था, डी नहीं था, ठीक है, उसके बाद डी जुड़ता था. यहां पर क्या है कि यार पहले टर्म में तो आर नहीं है, लेकिन जैसे सॉरी ये पहले में तो आर स्क्वायर होगा, यहां आर स्क्वायर होगा, यहां ए आर क्यूब होगा. ठीक है, तो क्या है, पहले टर्म में आर नहीं, दूसरे में एक बार आर है, तीसरे में दो बार आर है, चौथे टर्म में तीन बार आर है. यानी कि पहले टर्म में आर नहीं है तो आर की पावर क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि आर की पावर जीरो कितना हो जाएगा, वन. दूसरे टर्म में एक बार आर होगा, तीसरे टर्म में दो बार आर होगा, चौथे टर्म में तीन बार, पांचवे टर्म में चार बार, छठे टर्म में पांच बार. यानी कि जिस नंबर का टर्म है उस नंबर से एक कम होगी आर की पावर उस नंबर में. ठीक है, तो मान लीजिए कि इस जीपी में मैं मान लेता हूं कि एन नंबर ऑफ टर्म्स है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, या फिर ये मत मानिए, आप ये मानिए कि आपको इस जीपी का एनएथ नंबर ऑफ टर्म निकालना है, एनएथ नंबर ऑफ टर्म निकालना है, टीएन निकालना है आपको. तो फिर उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप ये कर सकते हो कि आपको जीपी का टीएनएथ नंबर टर्म निकालना है, तो हर टर्म में ए तो है ही, ठीक है, हर टर्म में ए तो है ही, और मैंने आपको बताया कि जिस सीरियल नंबर का टर्म है उसमें आर की पावर एक कम होगी. तो यहां पे सीरियल नंबर क्या है, एन है, तो यहां पे आर की पावर क्या होगी, एन से एक कम होगी, यानी क्या वैल्यू हो जाएगी, ए आर टू द पावर एन माइनस वन. आप समझ पा रहे हैं ना, चौथा टर्म है तो आर की पावर क्या होगी, तीन,
दूसरा टर्म है तो आर की पावर क्या होगी, वन। पहला टर्म है तो आर की पावर क्या होगी, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। तीसरा टर्म है तो आर की पावर क्या होगी, तीन माइनस एक दो। तो nth टर्म है तो आर की पावर क्या होगी, एन माइनस वन, तो ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ए तो सब में ही है फर्स्ट टर्म। तो nth टर्म ऑफ अ जीपी कुछ ऐसे निकलेगा, ये क्या है, nth टर्म ऑफ अ जीपी, ठीक है। अब आप ये मानो, ठीक है, अब हम आते हैं अपनी मेन चीज पे, कि अब आप ये मान लो कि इस जीपी में ही, ठीक है, एन टर्म्स है, ठीक है। अब आप ये मानिए कि इस जीपी में ही एन टर्म्स है, वही जो हम लोग एपी में कर रहे थे। तो अगर इस जीपी में ही एन टर्म्स है, ये जीपी ही एन टर्म्स की है, तो इसका आखिरी टर्म क्या होगा, एनएच टर्म होगा। तो अगर इसका आखिरी टर्म एनएच टर्म होगा, तो एनएच टर्म क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, तो इसका आखिरी टर्म क्या होगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। यानी पहला टर्म ए, आखिरी टर्म ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब अगर मुझे इस जीपी का सम निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो इस जीपी का सम निकालने के लिए मैं काम करता हूं कि यार ऑब्वियसली बात सबको जोड़ूंगा, तो सबको जोड़ने के लिए मैंने एस मान लिया इसका सम, सम से बाद में इसको ऐसे रिनोट करूंगा, ये हो जाएगा ए प्लस ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, एस मान ला हूं इसको मैं। तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए विद इन ब्रैकेट वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर आर एन माइनस वन, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस तक स्टेप पे पहुंचने के बाद, यहां तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, मैं अंदर जो ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी है, वन प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर टू द पावर फोर प्लस आर टू द पावर फाइव अप टू एन टू आर टू द पावर एन माइनस वन, इसमें मैं वन माइनस आर से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगा, वन माइनस आर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगा। यानी मैं कुछ ऐसा करूंगा, ए, ठीक है, ए तो बाहर है ही, अंदर आ जाइए, तो अंदर एक ब्रैकेट में डालूंगा वन माइनस आर, दूसरे ब्रैकेट में ये क्वांटिटी होगी जो पहले से लिखी है, ठीक है, और नीचे क्या करूंगा, इस क्वांटिटी को वन माइनस आर से डिवाइड कर दूंगा। तो ऑब्वियस बात है, हमारे रेशियो पे कोई, हमारे इस क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर भी उतने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे से भी उतने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो हमारे इस पूरी क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, नीचे का तो वन माइनस आर रहने दूंगा, ऊपर के इन दोनों ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वन माइनस आर को और इस ब्रैकेट को। तो जब आप इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वन से, इसको वन वाले से करते हो उसको, तो वो तो एज इट इज रहेगा, वन प्लस आर आर स्क्वायर आर क्यूब टू द होल पावर आर माइनस एन माइनस वन। और जब ये माइनस आर मल्टीप्लाई होना शुरू होगा तो इसमें आर की पावर एक एक बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ आर, फिर माइनस ऑफ, ये माइनस आर आर करके माइनस आर स्क्वायर कर देगा, माइनस आर क्यूब, अप टू एंड में क्या हो जाएगा, माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। यहां पे आखिरी टर्म क्या था, आर टू द पावर एन माइनस वन, आर टू द पावर एन माइनस वन, और इस आर टू द पावर एन माइनस वन से जब ये माइनस आर मल्टीप्लाई होगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस आर टू द पावर वन, क्योंकि आपको पता है कि ए टू द पावर बी को अगर ए टू द पावर सी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलता था, ए टू द पावर बी प्लस सी। तो यहां पे आर टू द पावर वन को आर टू द पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई क्या करूं, हो जाओ, तो क्या हो जाएगा, आर टू द पावर वन प्लस ऑफ एन माइनस वन, तो माइनस वन और प्लस वन कट गया, क्या बचा, आर टू द पावर एन, ये बचा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे तो एज इट इज वन माइनस आर ही है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये होगा, ये वाला आर इस आर से कटेगा, ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर कटेगा, आर क्यूब इससे कटेगा, ठीक है। यहां पे आर टू द पावर एन माइनस वन है, इस माइनस ऑफ आर टू द पावर एन से पहले माइनस ऑफ आर टू द पावर एन माइनस वन आया होगा, तो वो उससे कटेगा, तो बचेगा क्या, एक तो ये वन बचेगा और आखिरी का आर टू द पावर एन बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। और ये होता है फॉर्मूला हमारे एक जीपी के सम का, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आया, अब अगर यहां जो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया था, मैंने माइनस आर से मल्टीप्लाई किया था, यहां नीचे वन माइनस आर से मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं ऊपर नीचे आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करता, अगर मैं यहां पे ऊपर नीचे आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करता, तो ये मेरा फॉर्मूला पता है कैसा बनता, ये हमारा फॉर्मूला कुछ और ऐसा बनता, देखिए किस तरीके बनता, ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता, ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अभी फॉर्मूला ये बना है, अगर मैं ऊपर नीचे वन माइनस आर से मल्टीप्लाई करने बजाय नीचे ऊपर आर माइनस वन से मल्टीप्लाई करता तो फॉर्मूला ऐसा बनता। तो ये फॉर्मूला कौन से केस में वैलिड है, जब आर इज लेस देन वन, यानी जब कॉमन रेशियो आपका वन से कम हो जाए, और ये फॉर्मूला कौन से केस में वैलिड है, जब आर आपका वन से बड़ा हो जाए। बस यही फर्क है, वन माइनस आर है तो आपको अगर पता हुआ है कि आर वन से छोटा है तो वन माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, और अगर आपको ये पता है कि आर वन से बड़ा है तो आर माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो
आर छोटा है वन से तो फॉर्मूला ये बनेगा, आर बड़ा है वन से तो फॉर्मूला ये बनेगा। तो ये है यार प्रूफ कि आप किसी जीपी के सम का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो ये तो हो गया कि किसी एक जनरल जीपी के सम का फॉर्मूला। मान लीजिए एक इनफाइनाइट जीपी आ गई हमारे सामने, तो इनफाइनाइट जीपी क्या होगी, ए भाई फिर ए आर, ए आर स्क्वायर अप टू ए आर एन हो जाएगा और फिर ये इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी रुक नहीं रही जीपी, एंड टर्म नहीं पता है हमें इसका। तो इसके सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर, ठीक है, इसके सम का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। अब ये फॉर्मूला कैसे आया यार, ये फॉर्मूला निकालने की प्रूविंग मैं अभी आपके सामने नहीं करूंगा। अगर मैं इसकी प्रूविंग आपके सामने करने लगूंगा तो मुझे इन एक्सप्रेशंस में, इस एक्सप्रेशन में n टेंड्स टू इनफिनिटी करना पड़ेगा, और n टेंड्स टू इनफिनिटी करने के लिए मुझे लिमिट लगा के इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और ना मैंने लिमिट के कंसेप्ट आपको बताया ना मैंने डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट आपको बताया, तो मैं करूंगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो टिपिकल भी हो जाएगा और जरूरत भी नहीं है। तो ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया, बस इससे मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप a अपॉन वन माइनस आर रट लो, बस किसे भूल जाओ, वन माइनस आर टू द पावर एन को भूल जाओ, a अपॉन वन माइनस आर रट लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपके जनरल जीपी का सम का फॉर्मूला, और दो केसेस में दो फॉर्मूले बता दिए आपको कौन से। तो फ्रेंड्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो इज दैट फर्स्ट आई हैव टोल्ड यू हाउ टू कैलकुलेट द nth टर्म ऑफ अ जीपी। सो हियर आई हैव रिटन अ जीपी इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट टर्म इज ए देन एआर स्क्वायर देन एआर देन एआर स्क्वायर देन एआर क्यूब अप टू ए टू द पावर एन माइनस वन, ओके। नाउ इफ आई हैव टू फाइंड आउट द सेकंड टर्म, इन द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी ओनली ए इज देयर, नो आर इज देयर, इन द सेकंड टर्म ओनली वन टाइम्स आर इज देयर, you can relate it to the arithmetic progression, in that I told you that in the first there is no common difference, only first term is there, in the second there is one times common difference added, in the third term there are two times common difference added, in the second term one times common difference added, in the fourth time three times common difference was added, in the seventh term six times common difference was added. So obviously in the nth number of term n minus 1 times common difference was added. Similarly in this thing, in the second term one times common difference is common ratio is multiplied, in the third term two times common ratio is multiplied, in the fourth term three times common ratio is multiplied. So obviously in the nth term n minus 1 times common ratio will be multiplied, so the nth term of a GP will be denoted by a into r to the power n minus 1, because in the nth term n minus 1 times common ratio will be multiplied, first term is a is all in present in all the numbers, so nth term of an AP becomes, or of a GP becomes a into r to the power n minus 1, okay. So if I assume that in a GP there are only n terms, if I'm assuming that in a GP there are only 10 n terms, n number of terms, then obviously nth term will be the last term, and nth term I have calculated as a r to the power n minus 1, so GP starts from a and ends at a to the power a r to the power n minus 1. Now what I'm going to do, now I'm going to calculate the sum of this GP. So I've written this GP in front of you and I've started solving it. I take an a common, I wrote it like this, a within bracket 1 plus r square up to r to the power n minus 1. Then what I have done, in this quantity, I have multiplied with minus r in the numerator and 1 minus r into the denominator. Numerator 1 minus r, denominator 1 minus r. So it becomes something like this, a into 1 minus r into 1 plus r square up to r to the power n minus 1 upon 1 minus r. Okay, now, if you are going to expand this bracket, you know that by multiplying by 1 minus r in the numerator and in the denominator, the whole quantity of the term is not going to change. This thing is going to remain this only. And when I am going to expand these two brackets by multiplying this quantity by this quantity, what I am going to get? I am going to get a quantity something like this. This 1 multiplied by this bracket will give me the same 1 plus r square plus r cube to whole power n minus 1. And this minus of r multiplied by these terms will change the sign of all of these terms and will increase the power of r by 1. So this will become minus of r, this minus r into 1 minus r into r minus r square, minus r into r square minus r cube and so on. And this minus r when multiplied by plus of r to the power n minus 1, this will change it into minus of r to the power n that I have written here. Because a to the power b into a to the power c becomes a to the power b plus c. Okay, so this becomes minus of r to the power n minus 1. Now this, 1 is not getting cancelled out because I am not getting a 1 in this series. This plus r gets cancelled by this minus r. R square gets cancelled out with this minus r square.
r cube gets cancelled out with minus r cube. And similarly, this r to the power n is n minus 1 will get cancelled by the r to the power n minus 1, which will be present before this term. So all the terms gets cancelled out except r to the power n and 1. So what is remaining? 1 and r to the power n. And they are remaining something like this, a into 1 minus r to the power n and upon 1 minus r. So this is the expression that I am getting finally. And this is the sum. This is the formula of the sum of a GP. Now you can easily assume that I have multiplied by 1 minus r in the numerator and denominator and got the formula something like this. If I would have multiplied this thing in the numerator and denominator by r minus 1, then the formula that I would have got would be something like this, a into r to the power n minus 1 upon r minus 1. So the only change between these formulas is that the method of solving will be different. Here I am multiplying with 1 minus r, 1 minus r to get this. In order to get this, I have to multiply it by r minus 1 in the numerator and r minus 1 in the denominator. Okay. Now, why are these two change? These two are different things because here, if I am doing 1 minus r, then I am assuming this is r is less than 1. And here, if I am doing r minus 1, then I am assuming that r is greater than 1. So when you will be solving the question, you will be using this formula when r's value is less than 1. And you will be using this formula when r value is greater than 1. As simple as that. Okay, friends. Now, this was a formula of the sum of a general GP. Now, coming on to the formula of the sum of an infinite GP. This is, I have written an infinite GP, AR square up to AR to the power n and then up to infinity. That is, there is no end term of this infinite GP. So, when I am not getting an end term of an infinite GP, I have to simply learn that the sum of an infinite GP is equal to A upon 1 minus R. Now, why I am not proving the formula of infinite GP? Because in this case, in this term, I will have to tend n to infinity, I have to take limit. So I have not told you the concepts of limit, and I have also not told you the concepts of differentiation or integration. So if I am going to explain this thing to you here, it will be not at all, understandable to you. It may be understandable to many of you persons, but it will not be, easy to understand for most of you. It will be like going above your head. So that is why I am just telling you the formula A upon 1 minus R, because I don't think you from the competitive exams preparation this much amount of depth is required here. So simply learn that the sum of an infinite GT is equal to A upon 1 minus R, where A is the first term and R is the common difference. So this formula you have to learn and these two formulas you have to learn. These formulas you don't have to learn because I have told you the proving. You do the proving 2-3 times, automatically you will learn. And in order to change this formula to this formula, just ignore this 1 minus R to the power n from the numerator and you will get the formula of the sum of an infinite GP. I hope, friends, ki aapko ye derivation mera samajh mein aa gaya hoga. Ab main kaam karta hu. Abhi filhal ke liye jo basic theory hai GP ki wo khatam ho gayi hai. Main thoda questions dekhta hu. Theek hai, question number 1 dekhiye. If the fifth term of a GP is 81, panchwa term mein to kya ban jayega? बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ए आर टू द पावर 4, ठीक है. पांचवा टर्म यानी ए आर टू द पावर एन माइनस 1, एन की जगह क्या रख देंगे? 5 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर 4. अभी बताया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है एनएस टर्म ऑफ जीपी ए आर टू द पावर एन माइनस 1. यहाँ पे वही ऑब्वियसली बात है, ए को मैं फर्स्ट टर्म मान रहा हूँ, आर को मैं कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो मान रहा हूँ, ठीक है. कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, कॉमन रेशियो जीपी में. कभी हो सकता है इधर उधर बोल दूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या मान रहा हूँ? 16. तो ये फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 16. उसने क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म ऑफ दिस जीपी? इस जीपी का चौथा टर्म क्या होगा? तो भाई इस जीपी का चौथा टर्म क्या होगा? ए आर क्यूब, ये निकालना है मुझे, ठीक है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ठीक है, ए आर क्यूब मुझे निकालना है, ये दे रखा है मुझे. तो इससे मैं क्या बनाऊंगा? इससे मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि इस ए की जगह मैं 16 पुट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81/16. जैसे मैं एक जगह 16 पुट करूंगा और इस ए को नीचे लेगा तो हो जाएगा आर टू द पावर 4 इक्वल टू 81/16. वास प्लीज सब तो 3/2 टू द होल पावर 4. तो आर टू द पावर 4 इक्वल टू 3/2 टू द होल पावर 4. तो आर कितना हो जाएगा? 3/2. आर आपको मिल गया 3/2. आपको निकालना कितना है? ए आर क्यूब. तो ए आर क्यूब निकालने के लिए या तो आप ए आर टू द पावर 4 को आर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप ए की जगह 16 लिख दीजिए और आर की जगह 3/2 लिख दीजिए. दोनों तरीके से कर देता हूं. ए की जगह मैं 16 लिखता हूं और आर की जगह 3/2 × 3/2 × 3/2 कर देता हूं. जब मैंने ए आर क्यूब में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया, दूसरा आप क्या कर सकते हो कि ए आर टू द पावर 4 को आर से डिवाइड कर दो.
तो ए आर टू द पावर 4 क्या है 81, इसको डिवाइड कर दो आर से, तो जाएगा 27 × 2, 27 × 2 कितना हो जाएगा 54, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। यहां से भी सॉल्व करते हैं, 2, 2, 2 ये होता है 8, 2, 3, 3 = 9, 9 = 18, 18 = 54, यहां से भी 54। ऑब्वियसली बात है आपको दोनों जगह से आंसर सेम ही मिलने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 54। इस सीरीज का थर्ड टर्म क्या है, सॉरी इस सीरीज का फोर्थ टर्म क्या है, तो वो है 54। So friends, what I have told you, the question is told to me that the fifth term of a GP is 81. So the fifth term, if we suppose the first term to be A and common difference to be R, the fifth term becomes A R to the power 4, that is 81. The first term is given as 16, so A is equal to 16 written here. I have to find out the fourth term, which is A R cube. So in this, I am substituting A is equal to 16 in this equation, and this becomes 16 × R⁴ is equal to 81. So R⁴ will be 81/16, that is 3/2 to the whole power 4, which comes down to R is equal to 3/2. So if R is equal to 3/2, either I can place the value of A is equal to 16 or R is equal to 3/2 in this equation, which I do is something like this, 16 × 3/2 × 3/2 × 3/2, I got the answer 54. Or what you can do, you can divide this AR to the power 4 by R and you will get AR cube, which is the fourth term. So AR to the power 4 is 81 divided by R, that is 3/2. You will again get the answer as 27 × 2, 54. Again, my answer is same. So the fourth term of this GP comes out as 54. Kuch aur questions aur karte hain iske baad. तो यार फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा टर्म एक एपी का 1/3 है, तो चौथा टर्म क्या हो जाता है हमारी डेफिनेशन के हिसाब से, ए आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 होता है, बता चुका हूं, तो ए आर क्यूब 1/3 हो जाएगा। दसवां टर्म क्या हो जाएगा, दसवां टर्म हो जाएगा आपका ए आर टू द पावर 9, 243। तो आपने इस दूसरी वाली इक्वेशन को इस पहली वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो एलएचएस से डिवाइड हो जाएगा, यानी ए आर टू द पावर 9 ए आर क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, और 243 1/3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1/3 का 3 आके 243 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 729। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बन जाएगा आर टू द पावर 6, टू आर टू द पावर 6 इक्वल्स 729, तो आर हो जाएगा 3। ठीक है, तो हमें कॉमन रेशियो क्या पता चल गया, 3। अब या तो हम ये काम करें कि यहां पे आर इज इक्वल्स टू वैल्यू 3 रखें और ए की वैल्यू निकालें, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा। हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें सेकंड टर्म निकालना है, यानी हमें ए आर निकालना है, ए इंटू आर। सेकंड टर्म क्या होता है, ए आर टू द पावर 2 - 1, तो ए आर हो जाएगा। तो आप सिंपली ये करो कि ये ए आर क्यूब जो हमको पता है उसको आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, ए आर बचेगा। जब हम ऐसा करेंगे तो ए आर क्यूब कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है, इसको आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो आर क्या है, 3, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3² 9, तो 1/3 को जब आप 9 से डिवाइड कर दोगे तो मिलेगा क्या, 1/27। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोर्थ टर्म इज 1/3, सो फोर्थ टर्म इज ए आर टू द पावर 4, 10th टर्म इज 243, सो 10th टर्म इज ए आर टू द पावर 9, 243। डिवाइड दिस सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, so LHS divided by LHS and RHS divided by RHS, RHS denotes right hand side, LHS denotes left hand side, so AR to the power 9 upon AR cube, AA gets cancelled out, I get R to the power 6, and 243 divided by 1/3, I get this 3 in the denominators, denominators go to the numerator, and 243 into 3 becomes 729, R to the power 6 is 729, so R becomes 3, and I have to find out the value of second term, which is AR to the power 2 - 1, that is AR. So in order to do that, either I put the value of R is equal to 3 here, R is equal to 1/3 here, and I calculate the value of A, but that's not the right way to go forward, because that will become a bit lengthy. I have to find out the value of AR. So simply divide AR cube by R square. So dividing AR cube by R square will give me AR. So AR cube is 1/3 and R square will be 9. So 1/3 upon 9 will be 1/27. That becomes my answer. That was solution of question number 2. Question number 3, two numbers x and y are such that their GM is 20% less than their AM. AM means arithmetic progression. So x and y ka arithmetic progression ho jayega x plus y by 2. Theek hai? Aur jo inka GM hai, GM kitna ho jayega? Under root of x square. AB ki aadat pad gayi hai to AB likh raha hu har jagah mein. Ye under root of xy ho jayega. Theek hai? Kya bola usne? Ki ye jo uska GM hai, वो उसके एएम से 20% कम है, ये इससे 20% कम है, तो अगर ये इससे 20% कम है और अगर आप 20% का साइन लगाते तो इससे 20% कम, यानी 1 - 20/100, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 0.80। ठीक है, और 0.80 को आप क्या लिख सकते हो, 4/5, तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई बाय 2 इंटू 4/5 इक्वल टू अंडर रूट xy। ठीक है, डू वन थिंग कि आप इसको और इस साइड को स्क्वायर कर दो,
जब आप इन दोनों साइड को स्क्वायर कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई बाहर 16 और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये 4 इंटू 25 और इधर क्या हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट हट जाएगा और सीधे सीधे एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिल गया। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 4 बचेगा, इसको इधर ले आइए तो ये जाएगा 25xy इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8xy। ठीक है, यहां ले आइए तो जाएगा 17xy इक्वल्स टू 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब आप एक काम करो, इस 4 को नीचे ले आओ और एक्स वाई को उधर ले जाओ तो जाएगा 17/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। ठीक है, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो आप क्या मिलेगा, एक्स बाई वाई, और वाई स्क्वायर को एक्स वाई से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा, वाई बाई एक्स। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि इन रेशियो, इन नंबर्स का रेशियो क्या है। ठीक है, यानी आपको एक्स अपॉन वाई निकालना है, तो एक्स अपॉन वाई को आप रेशियो मानो तो एक्स अपॉन वाई को आप आर मान लो तो वाई अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 1/r। ठीक है, तो आर प्लस वन अपॉन आर इज इक्वल टू 17/4 तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17/4 r। ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4r स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 17r तो ये जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 17r प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ ऐसा मिलेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसको लिखो 4r स्क्वायर माइनस 16r माइनस आर प्लस 4 इक्वल टू 0। अगला स्टेप, 4r r माइनस 4 माइनस 1 r माइनस 4 इक्वल टू 0 तो ये जाएगा 4r माइनस 1 r माइनस 4 इक्वल टू 0 तो r की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/4 और 4। ये दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको r की, एक वैल्यू आपको मिलेगी r की 1/4 और एक वैल्यू मिलेगी आपको r की 4। तो जो भी रेशियो होगा इनका, ये देखते हुए कि कौन सा टर्म बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि इन इक्वेशंस के हिसाब से तो मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि x कौन सा बड़ा है, x बड़ा है या वाई बड़ा है, पर इन दोनों के बीच का रेशियो या तो 4:1 होगा या 1:4 होगा, जो भी आपको ऑप्शन दे रखा हो आप उसे टिक कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, इट इज बीइंग टोल्ड टू मी दैट द जीपी ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 20% लेस देन देयर एपी, सो एपी बिकम्स x + y / 2 एंड जीपी बिकम्स अंडर रूट ऑफ xy एंड दिस इज लेस देन 20% less than this. So 20% less than this will be 1 minus 20 by 100 is 0.80 and you can also write this 0.80 as 4/5. So this becomes the equation. I have squared this equation on both the sides. So I got this 16 within bracket x square plus y square plus 2xy upon 2 into 5 whole square becomes 4 into 25 and this side under root of xy whole square becomes xy. Now cross multiply it. I got 25xy is equals to 4x square plus 4y square is equals to 8xy. Bring this 8xy this side, so it will become 17xy is equals to 4x square plus 4y square. This will become 17 upon 4 is equals to x square plus y square upon xy. This becomes x upon y plus y upon x. So suppose x upon y to be r, so y upon x will become 1 upon r. So this becomes r plus 1 upon r is equals to 17/4. And when I solve it, I get the value of r is equals to 1/4 and 4. And I'm not sure about it in the question, from the data given in the question, that whether x is bigger or y is bigger. So the value of x upon y will be either 1/4 or 4. And whatever is given in the answer, you mark them as the option. Because from the condition that I given in the question, I cannot say that x is bigger or y is bigger. So it can be 1/4, it can be 4:1. Whatever option is given to you in the answer, mark that out of this. And if both of them is given and there is a third option, fourth option, none of these, then you write the answer as cannot be determined. Okay, now we are going to question number 4. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ईच टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलो इट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज 8 फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, पहला टर्म ए आर स्क्वायर आप ये मानते चले जाइए। ठीक है, अब उसने बोला है कि ईच टर्म इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलो, यानी हर टाइम
तीन गुना है सारे जो बचे हुए टर्म्स है उनके सम के, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, ईच टर्म इज इक्वल टू थ्री टाइम्स द सम ऑफ द टर्म्स दैट फॉलो, यानी कि ये टर्म ए है तो ये बराबर हो जाएगा, इन सारे टर्म्स का सम कर दो और उसको तीन गुना कर दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कुछ ऐसा बनेगा ए इक्वल टू थ्री टाइम्स विद इन ब्रैकेट ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू द पावर फोर अप टू इन्फिनिटी। तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, तो इस सम ऑफ द सीरीज क्या होगा, ये एक इनफाइनाइट सीरीज का सम हो जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये तो ए है, ए को रहने दीजिए, ये थ्री हो जाएगा और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसका पहला टर्म है ए आर, पहला टर्म लिख दिया अपॉन वन माइनस आर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दोनों सॉल्व करिए तो ए कट गया तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा वन माइनस आर इक्वल्स टू थ्री आर, तो आर उधर जाएगा तो फोर आर इक्वल्स टू वन, तो बन जाएगा आर इक्वल्स टू वन बाई फोर। जब आर इक्वल्स टू वन बाई फोर बन जाएगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कॉमन रेशियो कितना निकल के आएगा एक बटे चार। आपको निकालना है कि सम ऑफ द सीरीज, सीरीज का सम क्या होगा, सीरीज सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्वेश्चन में दे रखा है आठ और कॉमन डिफरेंस मैंने कितना निकाल लिया वन बाई फोर, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो जाएगा आठ बटे तीन बटे चार, तो जाएगा बत्तीस बटे तीन, आपका आंसर हो जाएगा बत्तीस बटे तीन। तो फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी ए ए आर ए आर स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी। नाउ इन दिस It has been told that the sum of a term is three times the sum of the terms that follow. So this, according to the condition that is given in the question, this A becomes equal to thrice of the sum of the remaining terms. So thrice of the term is AR plus AR square plus AR cube. This is also a GP. This A becomes equal to three times. First term upon 1 minus common difference. So AR upon 1 minus R, AA gets cancelled out. And I get 1 minus R is equal to 3R. Which gets me R is equal to 1 by 4, so the common ratio comes out as 1 by 4, and the sum of the whole infinite geometric progression will be A upon 1 minus R. So A, the first term is given to me as 8, R is given to me as 1 by 4, so it will be 8 upon 1 minus 1 by 4, which comes out to as 8 upon 3 by 4, which is 32 by 3. My answer becomes 32 by 3. Friends, agla question hai, question number 5. If m and p are in the geometric progression, then log m, log n and log p are in. ठीक है, m, n और p बोल रहा है geometric progression में, ठीक है। तो अगर m, n और p geometric progression में, then obviously n square will be equals to हो जाएगा m into p, यही होता है, क्योंकि n is the geometric mean between m and p, so n is equals to under root of mp, so n square will be equals to m into p, ठीक है। तो आप इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर आप लॉग लेते हो तो हो जाएगा लॉग ऑफ एन स्क्वायर बराबर लॉग ऑफ एमपी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से टू ऑफ लॉग एन बराबर लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ पी, और फिर आखिरी स्टेप लॉग ऑफ एन इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ पी अपॉन टू। तो अब इस हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि log m के बाद log n के बाद log p, log m, log n and log p are in arithmetic progression. So इसने यही पूछा है कि log m, log n और log p किस में होंगे अगर m and p geometric progression में है, तो आंसर है ये arithmetic progression में होंगे। So friends, it has been told to me that m and p are in geometric progression. So we know that if n is a geometric mean between m and p, so obviously n will be equal to under root of m into p. That is n square will be equal to m into p. So if I am going to take the logarithm on both sides of the equation, it will become log of n square is equal to log of mp. This will change to 2 times log n, and this will change to log of m plus log of p. And then this 2 comes in the denominator, it will become log of n is equal to log of m plus log of p upon 2. Okay? And now, you can definitely see that log m, log n and log p are in arithmetic progression because log n is the arithmetic mean between log m and log p. So my answer becomes that log m, log n and log p are in arithmetic progression. Agla hai, question number 6. Question number 6 dekhte hain. Question number 6 mein de rakha hai ki the sum of an infinite geometric series is 3. And the sum of an infinite geometric series from the squares of the terms of the original series is 6. Find the first term of the first series. तो मान लेते हैं पहली सीरीज कुछ ऐसी है a,
AR, AR square, AR cube up to infinity. तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, a square r square a square r to the power 4 a square r to the power 6 अप टू इन्फिनिटी. पहली सीरीज ये है तो दूसरी हो जाएगी, क्योंकि दूसरी सीरीज कैसे बन रही है, दूसरी सीरीज बन रही है पहले के सारे टर्म्स को स्क्वायर करने के बाद. पास पास लिखा है तो कॉमा लगा दिया. तो अगर इसका पहला टर्म है तो a है, दूसरे वाले का पहला टर्म a स्क्वायर, पहले वाले का तीसरा टर्म अगर ए आर स्क्वायर है तो दूसरे वाले का पहला, दूसरे वाले का तीसरा टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर. तो ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, दूसरी वाली भी एक इनफाइनाइट सीरीज है. ठीक है, अब उसने बोला है कि पहली वाली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम 3 है. तो अगर इसका सम 3 है तो आपको पता है कि इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन डिफरेंस. उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और वन माइनस कॉमन डिफरेंस आर, ये कितना हो जाएगा 3. ठीक है, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, दूसरे वाले के सम का फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट टर्म अपॉन वन माइनस कॉमन डिफरेंस. तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है, ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर. सीरीज स्क्वायर हो गई तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो भी आर स्क्वायर है, या फिर ए स्क्वायर आर टू द पावर फोर अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर कर लीजिए, वो भी आर स्क्वायर है. तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. तो हाँ, हमने ये दो टर्म बन गए, ठीक है, दो इक्वेशन बन गई है. अब हमको क्या करना है, हमको इसमें से निकालना है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट सीरीज. मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये वैल्यू हमको निकालनी है. तो ये वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये किया जा सकता है कि आप यहां से a की वैल्यू निकाली, तो a कितनी हो जाएगा, a हो जाएगा 3 इंटू वन माइनस आर. ठीक है, a हो जाएगा 3 इंटू वन माइनस आर, और ये 3 इंटू वन माइनस आर आप इस a स्क्वायर में पुट कर दीजिए. तो जब आप a 3 इंटू वन माइनस आर यहां पुट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 3 इंटू वन माइनस आर का होल स्क्वायर, यानी 9 इंटू वन प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए स्क्वायर पर दिया. सीधे सीधे यहां पर एक जगह क्या पुट किया, 3 इंटू वन माइनस आर, और स्क्वायर कर दिया तो 3 तो 9 हो गया, और 1 माइनस आर क्या हो गया, 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर, और ये नीचे 1 माइनस आर स्क्वायर था जो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया, 6 माइनस 6 आर स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो जाएगा 9 प्लस 9 आर स्क्वायर माइनस 18 आर इक्वल्स टू 6 माइनस 6 आर स्क्वायर. आई होप कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूं. ठीक है, और ए स्क्वायर जब पुट कर दिया ये हो जाएगा 6 माइनस 6 आर स्क्वायर. ठीक है, ए 6 स्क्वायर को इधर ले आइए तो हो जाएगा 15 आर स्क्वायर. ठीक है, और माइनस ऑफ 18 आर प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, कुछ ऐसा बना है, आर 15 आर स्क्वायर माइनस ऑफ 18 आर प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0. तो ये जो टर्म फाइनली मेरे सामने बना है इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं थोड़ा सा क्लैरिटी करने के लिए. ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 15 स्क्वायर माइनस 18 आर प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 0. मैं दोनों तरफ से 3 काट रहा हूं तो हो जाएगा 5 आर स्क्वायर माइनस 6 आर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0. इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग काम करते हैं, इसको लिखते हैं 5 आर स्क्वायर माइनस 5 ऑफ आर माइनस आर प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0. तो 5 आर कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा आर माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो आर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो 5 आर माइनस 1 R माइनस 1 इक्वल टू 0, तो R हो जाएगा 1 बाई 5 और 1. ठीक है यार, R हो जाएगा 1 बाई 5 माइनस 1. ठीक है, तो अब आपको मिल गई है R की वैल्यू, एक तो 1 मिली एक 1 बाई 5 मिली. आप जानते हैं कि R की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, अगर R की वैल्यू 1 हो जाएगी तो दोनों जो GP है उनके सारे टर्म्स बराबर हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होना है. तो ऑब्वियसली r इज इक्वल टू 1 बाई 5 लेंगे, और r इज इक्वल टू 1 बाई 5 लेके आप इस a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 3 में पुट करेंगे. तो जैसे आप इसे पुट करोगे हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू 3. इसे मिल जाएगा a इक्वल टू 3 इंटू 4 बाई 5. 1 माइनस 1 बाई 5 क्या होता है, 4 बाई 5, जो कि मिल जाएगा आपका 12 बाई 5. तो ये हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ गया पहली सीरीज का, 12 बाई 5, और यही होगा आपका आंसर. तो इस क्वेश्चन नंबर 6,
two geometric progressions are given with infinite number of terms. The first term is a, second term becomes ar, the third term becomes ar square, fourth term becomes ar cube up to infinity. Now you have to make a new geometric series by, you know, squaring all the terms. So the new geometric series will be something like this: a square r square, then a square r to the power 4, a square r to the power 6, and so on up to infinity. So what is the sum of the first infinite geometric series? It becomes first term upon 1 minus common difference. So this becomes a upon 1 minus r. This becomes equals to 3 as given in the question. Second geometric series will be something like this: first term upon common difference, first term is a square. And what is the common difference? R to the power a square r to the power 6 upon a square r to the power 4. You can calculate with any pair of consequential terms. So it will be a square upon 1 minus r square, that is equals to 6. Okay, now what you are going to do, I am going to take out the value of a from this equation. A becomes equals to 3 into 1 minus r, and I am going to substitute this value of a in the second equation. So a square, if I am going to pay this a, value of this a is equals to 3 into 1 minus r here, so it will become 3 into 1 minus r whole square. So it will become 9 within bracket 1 minus r whole square, 1 minus r whole square will be 1 plus r square minus 2r. And this will be equals to 6 into 1 minus r square, that is 6 minus 6r square. Now, this is between n, 9 plus 9r square minus 18r equals to 6 minus 6r square. I got the equation as 15r square minus 18r plus 3. I have written the equation here. I have taken 3 common from this side, and the equation became 5r square minus 6r plus 1. This 3 goes beneath 0, 0 upon 3, that becomes 0. Now, I am solving this equation. I am writing it as 5r square minus of 5r minus r plus 1. Take 5r common, it becomes r minus 1. Take minus 1 common, it becomes r minus 1. In one bracket 5r minus 1, in second bracket r minus 1 equals to 0. So r becomes 1 by 5, and here r becomes 1. So obviously the value of r cannot be 1, because if the value of r is 1, all the terms of the first GP and second GP will become equal. So the value of r will be 1 by 5, obviously. And I am going to place that value of r is 1 by 5 in this equation. So a upon 1 minus 1 by 5 will become 3. So a will becomes equals to 3 into 4 by 5. That is, the answer is 12 by 5. That was a bit long question to answer. Ab chalte hain bhai question number 7 pe. Question number 7 kya keh raha hai? Ki after striking the floor, an elastic ball rebounds to 4 by 5th of the height from which it has fallen. Find the total distance that it travels before coming to rest if it has been gently dropped from a height of 120 meters. ठीक है यार, एक कोई बिल्डिंग होगी, कहीं से भी ड्रॉप किया गया होगा, 120 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया है बॉल को, ठीक है, और कहा गया है कि वो जब रिबाउंड करती है तो जिस हाइट से ड्रॉप किया गया है उस हाइट के 4 बाई 5 टाइप्स रिबाउंड करती है. तो मान लीजिए यहां से उसको छोड़ा गया विदाउट एनी इफेक्ट के, तो यहां पहुंची, तो पहले उसने कितना डिस्टेंस किया कवर किया? पहले तो उसने पूरा 120 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, फिर वो वापस आई, लेकिन फिर वो वापस पूरा नहीं आई, 4 बाई 5 आई. तो 120 का 4 बाई 5 कितना होता है निकाल लीजिए, होता है 96, ठीक है. तो ये कितना वापस आई? 96 वापस आई. अच्छा, ये 96 वापस आई तो 96 वापस भी तो गई, सॉरी 96 अगर आई थी वापस तो फिर नीचे भी गई होगी 96, क्योंकि अगर रिबाउंड होने के बाद 96 ऊपर आई तो होता है नीचे जाएगी, फिर अगली बार उठेगी और फिर कितना जाएगी? 96 का 4 बाई 5 जाएगी. यानी कि पहली बार 120 मीटर ट्रेवल करने के बाद जब वो बाद में ऊपर नीचे जा रही है, तो बाद में यानी फर्स्ट टाइम गिरने के बाद और फर्स्ट टाइम रिबाउंड करने के बाद जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएगी, यानी हर डिस्टेंस वो दो बार कवर करेगी, ठीक है, पहले 120 को छोड़ के. तो उसका पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 120, ये 120 तो उसने एक बार ट्रेवल किया, ऊपर से छोड़ी गई, नीचे आई, कितना ट्रेवल किया? 120. बाउंस होने के बाद जब ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी? 120 इंटू 4 बाई 5, इतना ही जाएगी और इतना ही वापस आएगी, तो उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है. फिर अगला क्या हो जाएगा? अब इस 2 इंटू 120 को मैं सीधे 240 लिख रहा हूं, और इस 240 का 4 बाई 5, फिर 4 बाई 5, एंड सो ऑन, दिस विल गो ऑन अप टू द इन्फिनिटी, ठीक है. तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 120 प्लस 240 विद इन ब्रैकेट 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी, ठीक है. यानी कि मुझे एक जीपी बनती नजर आई, 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 का होल स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी. आप समझ रहे हैं ना, पहले बार जो 120 है वो तो एक ही बार चला, उसमें तो वापस पूरा आएगी नहीं, वापस कितना आएगी? 120 का 4 बटे 5, ठीक है. तो वो लिख दिया 120 का 4 बटे 5, पर अगर 120 का 4 बटे 5 वो ऊपर आ रही है तो 120 का 4 बटे 5 वो नीचे भी जा रही है, तो वो दो बार करेंगे आप. तो फिर आप क्या हो जाएगा कि इफेक्टिवली बेस को क्या मान लिया? 120 इंटू 2 240, और 240 का 4 बटे 5 कवर करी. फिर अगले बार क्या हो जाएगा? 240 इंटू 4 बटे 5 का 4 बटे 5. तो अब 240 जब आपने कॉमन ले लिया तो आपको एक जीपी बनती नजर आई. इस जीपी का
फर्स्ट टर्म है 4 बाई फाइव और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 बाई फाइव, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे 120 प्लस 240 विद इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 4 बाई फाइव, ठीक है। ये 1 माइनस 4 बाई फाइव क्या हो जाएगा 1 बाई फाइव, और 4 बाई फाइव बाई 1 बाई फाइव क्या हो जाएगा 4, यानी ये मिल जाएगा 120 प्लस 240 इंटू 4, तो हो जाएगा 120 प्लस 960, ये बराबर हो जाएगा 1080 मीटर्स, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टोटल 1080 मीटर्स। तो फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन नंबर 7, इट इज बीइंग टोल्ड टू मी दैट फ्रॉम एन हाइट ऑफ 120 मीटर्स यू नो अ बॉल, आई थिंक अ बॉल इज देयर, हाँ आ इलास्टिक बॉल इज ड्रॉप्ड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ट्रेवल 120 मीटर्स बिफोर कमिंग टू द फ्लोर, when it will bounce at the floor it will rebound 4 by 5th of the height, this is being told to me in the question, so how much it is going to come back, it is going to come back 4 by 5 of the initial height, that is 120 into 4 by 5 which becomes somewhere around 96, okay, so it comes 96 meter height upwards and then it goes down 96 meters height upwards, then it again rebounds and this time it comes out 4 by 5 of 96, that is 96 into 4 by 5 it will come up and then it will again go down 96 by 4 by 5, then again next time it will come 96 into 4 by 5 into 4 by 5 up and then again it will go down 96 into 4 by 5 into 4 by 5. So this is the fashion. So for the first time it is coming down 120 meters, so I wrote down this distance. Then whatever distance she is going to travel upwards, she is also going to travel downwards. So I will take twice. So second time when she, first time when she comes upwards, she is coming 120 into 4 by 5 upwards, the ball. So she is also going 120 into 4 by 5 downwards. So 2 into 120 into 4 by 5 becomes, so 2 into 120, 240 becomes the base. And in the first return journey, it is covering 240 into 4 by 5. So in the second return journey, it would be covering 240 into 4 by 5 into 4 by 5 because I am taking 240 as the base because 120 into 4 by 5 is becoming twice. Similarly, in the second case, 120 into 4 by 5 into 4 by 5 will also be becoming twice. So the AP will be something like this, GP will be something like this, 120, this is separate because this is not a part of GP, plus 240, from here the GP starts and within bracket 4 plus 5 plus 4 by 5 whole square and so on up to infinity. So here the first time is 4 by 5 and the common difference is 4 by 5. So using A upon 1 minus R, it will be 120 plus 240 within bracket 4 by 5 upon 1 minus 4 by 5. This becomes 240 into 4 by 5 upon 1 minus 5, that is 4. So 240 into 4 becomes 960, 960 plus 120 becomes 1080 meters, the ball is traveling 1080 meters total distance. So my answer becomes 1080 meters. Okay friends, in today's video the last question of geometric progression, and after that I will move up with harmonic progressions discussion. The last question is, the sum of an infinite GP whose common ratio is numerically less than 1 is 32 and the sum of the first two terms is 24, what will be the third term? तो अब तक तो यार आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि मैं यहाँ पे जीपी क्या लेके चल रहा हूँ, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, इस तरीके के टर्म्स को मैं जीपी मानता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला है कि कॉमन रेशियो लेस देन 1 है, तो वो बताया था ए अपॉन 1 माइनस आर होता है और आप ऑटोमेटिकली डिड्यूस कर सकते हैं कि कॉमन रेशियो जब आर से बड़ा 1 से बड़ा हो जाएगा तो ए अपॉन आर माइनस 1 हो जाएगा सम इनफाइनाइट जीपी का। तो यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का सम किससे डिनोट किया जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर से, और ये किसके बराबर दे रखा है, ये 32 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अगला क्या दे रखा है कि जो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज 24, तो पहले दो टर्म्स क्या होते हैं ए, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा ए आर, ये कितना दे रखा है 24। तो यहां से ए कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा ए इंटू 1 प्लस आर बराबर 24, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे मैं काम करता हूं इसको सॉल्व करने के लिए कि मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा ए 1 प्लस आर अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर 24/32, ठीक है। ये 24/32 को आप ले सकते हो 3/4, ए ए तो कट गया और बचा क्या 1 माइनस आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 1 माइनस आर ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये 1 माइनस आर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो ये 1 माइनस आर जब 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना देगा 1 माइनस आर ऑफ स्क्वायर, ए ए तो कैंसिल हो गया, 24/32 क्या होता है 1/4, तो आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा 1/4, तो आर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ये है कि व्हाट विल बी द थर्ड टर्म, उसने पूछा कि थर्ड टर्म क्या होगा, तो यार थर्ड टर्म हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर,
इसमें r की वैल्यू तो पता है आपको 1 बाई टू, आपको a की वैल्यू चाहिए, तो आप r की वैल्यू 1 बाई टू सब्सटीट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो निकालते हैं a अपॉन 1 माइनस 1 बाई टू कितना हो जाएगा 1 बाई टू, ये 32 है तो a हो जाएगा 32 इंटू 1 बाई टू 16। तो आप इस ए आर स्क्वायर की आपको वैल्यू निकालनी, a तो आपको 16 पता चल गया और r कितना है 1 बाई टू, तो दो बार कर दो 1 बाई टू, तो आपको आंसर मिल जाएगा 4, यानी कि थर्ड टर्म ऑफ द इक्वेशन कितना हो जाएगा 4। आपसे ये तो पूछ रखा है व्हाट इज द थर्ड टर्म, द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 4। सो फ्रेंड्स व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू मी इन दिस क्वेश्चन, दैट द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 32 व्हिच इज हैज इज यू नो कॉमन रेशियो लेस देन 1। सो आई नो दैट फार्मूला टू बी a अपॉन 1 माइनस r, ऑब्वियसली द फार्मूला ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद r ग्रेटर देन 1 विल बी a अपॉन r माइनस 1, सो दिस बिकम्स a अपॉन 1 माइनस r इज इक्वल टू 32। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज आल्सो बीइंग टोल्ड टू मी दैट द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 24। So first term is a, second term is ar, and the sum of these two terms is given to me in the equation as 24. Okay, so I take common a, so it becomes a into 1 minus r is equals to 24. Here a upon 1 minus r is equals to 32. This is equation number 1, this is equation number 2. Okay, now you divide this term by this term. I am dividing equation number 1 by equation number 2. So the LHS here, that is a into 1 minus r, divides by the left hand side of equation number 2, that is a upon 1 minus r. So this becomes a into 1 by r, a into 1 plus r upon a of 1 upon a into 1 plus r upon of a upon of 1 minus r. So 1 minus r is in the denominator of denominator. So this 1 minus r goes upwards and gets multiplied by 1 plus r. a gets cancelled out and 1 plus r into 1 minus r becomes 1 minus r square, which is equals to 24 by 32. Cut it by 8 in both numerator and denominator, it will become 3 by 4. So 1 minus r square becomes 3 by 4. So r square will become 1 minus 3 by 4, that is 1 by 4. So r will become 1 by 2. So common ratio comes out as 1 by 2. Now place this value of r is equals to 1 by 2 in this equation. So this becomes a upon 1 minus 1 by 2, which becomes a upon 1 by 2 is equals to 32. So a becomes equals to 1 by 2 into 32. That comes out as 16. So the first term comes out as 16. Common ratio comes out as 1 by 2. So third term comes out as ar square. That is 16 into 1 by 2 into 1 by 2, which gives me the answer as 4. Next. टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक सिंपल भाषा में बोला जाए तो सीधी सीधी सी बात है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा है। ठीक है, पता है आप लोगों को बेसिक चीजें, इसकी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे हार्मोनिक मीन या एक और प्रॉपर्टी आपको इसके बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग टेकअप कर लेंगे इसके 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास, और इतना काफी होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स बता दूंगा आपको, जिसके बेसिस पे आप अप्रोच कर पाएंगे क्वेश्चंस में को कैसे अप्रोच करना है। तो मान लीजिए तीन क्वांटिटीज हैं ए बी और सी जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ऑब्वियस ही बात है 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगी, क्योंकि ए बी सी अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो जो इनके रेसिप्रोकल होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 4-5 टर्म्स दे रखे हैं आपको, 2, 4, 6 और 8, तो 2, 4, 6 और 8 देख के आप कह सकते हो कि भाई ये तो एपी में है। इनका उल्टा कर दो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8 और 1 अपॉन 16, तो ये क्या हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएंगे। उसी तरीके से बोल रखा है कि अगर ए बी सी ये तीन नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो इनका रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन करके उल्टा करके 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, मैं कह सकता हूं ये तीन टर्म्स किसमें हो जाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो अब अगर ये तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम लोग इस प्रॉपर्टी को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कॉमन डिफरेंस बराबर होगा, तो 1 अपॉन बी दिस टर्म माइनस दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी 1 अपॉन बी, कुछ ऐसा होगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां कॉमन ले लीजिए बी माइनस ए के, और यहां बी सी ले लीजिए तो बी माइनस सी के, सॉरी यहां पर थोड़ा सा चेंज है, ये ए माइनस बी है। ठीक है, अब आप एक काम करो, इन दोनों में ए बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी दोनों साइड पे आप ए इंटू बी इंटू सी से मल्टीप्लाई करो। तो जब इस वाले टर्म में ए माइनस बी अपॉन ए बी में आप ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी तो कट जाएगा, आपको मिलेगा क्या, सी इंटू ए माइनस बी। और इस वाले टर्म में बी माइनस सी अपॉन बी सी में अगर आप ए बी सी से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे बी सी बी सी कट जाएगा, आपको मिलेगा क्या, ए इंटू बी माइनस सी। तो सी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस सी, ये कुछ हमको इस तरीके से देगा, ए अपॉन सी इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। ठीक है, तो यार ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कभी कभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमें डायरेक्टली काम में आ जाती है।
या कहीं कहीं हमें डायरेक्टली नजर आ सकती है कि कुछ इस तरीके का टर्म आपको दे रखा हो कि a अपॉन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, या फिर आपको दे रखा हो कि x अपॉन जेड इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन y माइनस z, तो पूछ देगा कि x y z किस में, ap में, gp में, hp में, तो आपका आंसर क्या होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। इसलिए मैंने आपको ये एक रिस्पेक्टिव टर्म को डिराइव करके दिखाया है कि अगर ए बी सी तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो आप इसको कह सकते हो, तो कन्वर्स भी कह सकते हो कि अगर ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो ए बी सी की, अगर ये इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन का वो बन के आ रहा है तो ये जो तीन टर्म्स है ए बी सी वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस इज अ प्रॉपर्टी दैट आई हैव डिराइव्ड फॉर यू दैट इफ इट इज बीइंग टोल्ड टू मी दैट इफ थ्री टर्म्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन आई कैन से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट द रेसिप्रोकल ऑफ दीज टर्म्स विल बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ ए बी सी इट विल बी 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी सो आई गेट टू नो दैट 1 अपॉन ए 1 upon b and 1 upon c are in harmonic, are in arithmetic progression. So if this 1 upon a, 1 upon b and 1 upon c comes out in arithmetic progression, so obviously we know that in arithmetic progression the common difference is constant. So 1 upon b minus 1 upon a will become equals to 1 upon c minus 1 upon b. Now if I'm going to solve this, take the numerator ab. In the numerator it will become a minus b upon ab and here it will become b minus c upon bc. Okay, now what I am going to do on both of sides of these equations, I am going to multiply by a constant term ABC. So on both sides, if I am going to multiply by ABC, suppose I am multiplying this A minus B upon AB by ABC. So AB in the numerator and AB in the denominator gets cancelled out and I get C into A minus B. Similarly, I am multiplying ABC by this term, that is B minus C upon BC. So BC in the numerator gets divided by BC in the denominator and I will get A into B minus C. So this type of property I am getting, C into A minus B is equals to A into B minus C. By certainly changing it, I can also write it as A upon C is equals to A minus B upon B minus C. So if it is being, in a question it is being told to me that some, this side of equation is given to you that A upon C is equals to A minus B upon B minus C. Or it is written to you that there are three numbers x, y, z in which x upon z is equals to x minus y upon y minus z. Then you can definitely infer that if something like this is given, ABC will be in harmonic progression or x, y, z will be in harmonic progression. So this is a type of quality. This is a type of question which can be asked directly from you in the exam. The practical application of this concept in any question is difficult to make because you can't improvise this much amount of, you know, you need a big amount of intellect and humor to use this thing in any question. And it is also not desirable to use this thing in any question. So it is just for the sake that if directly this expression comes in front of you, you will get to know that ABC are in harmonic progression. You can also write it as C by A equals to B minus C upon A minus B. So three things you have to keep in mind, this, this and this. If any of these three occurs, the numbers will be in harmonic progression. ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम लोग एक चीज और देखेंगे जो बहुत जरूरी है, वो है हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब हार्मोनिक मीन क्या चीज है, इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए कि ये जो आप क्या दो टर्म्स है ए और बी, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और मैंने इनके बीच में एक हार्मोनिक मीन एच इंसर्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया आपका कि ए और बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है और मैंने इनके बीच में एक हार्मोनिक मीन एच इंसर्ट कर दिया। तो अब डेफिनेशन के हिसाब से 1 अपॉन ए, ठीक है, 1 अपॉन एच और 1 अपॉन बी, ये क्या हो जाएंगे, अगर ये एचपी में है तो भाई ये एपी में हो जाएंगे, और जैसे ही 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एच और 1 अपॉन बी एपी में होंगे, हमको एक चीज नजर आएगी, क्या नजर आएगा, 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एच। क्यों, क्योंकि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एच माइनस 1 अपॉन ए, क्या हो जाएगा इस एपी का कॉमन डिफरेंस, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन एच क्या हो जाएगा इसी एपी का कॉमन डिफरेंस। एक बात याद रखना हमेशा, आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा कि यार जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एचपी से रिलेटेड, एचपी का कोई सेट फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आप सोचोगे कि एचपी के सम सारे टर्म्स का सम का फॉर्मूला बता दिया जाए, आपको नहीं बताया जा सकता। इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि कोई फॉर्मूला है ही नहीं, डिराइव करने का मतलब ही नहीं है। एचपी मतलब आपको टर्म्स को उल्टा करके उसको एपी की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एचपी मतलब क्या है, एपी के टर्म्स को उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है,
तो एचपी कर दिया है तो आप क्या करोगे, उल्टा करोगे फिर टर्म्स को एपी मानोगे, यही एक तरीका और कोई तरीका नहीं है। तो फिर ये मेरा आपको, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो वन माइनस एच इधर आके टू बाई एच हो जाएगा और इधर क्या बनेगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ये एच कितना निकल के आ जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, हार्मोनिक बी। यानी एच कितना निकल के आ गया, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी कि ये एच है हार्मोनिक मीन, एच की वैल्यू क्या हो गई निकल के, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी आपसे ये पूछा जाए कि किसी दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया, इसको आपने हार्मोनिक प्रोग्रेशन में माना तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया तो हमने वही कॉमन डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगा दिया और वैल्यू को सॉल्व किया तो पता चला हार्मोनिक मीन निकल के आ रहा है टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ नंबर्स। कहीं कहीं ये भी लिखा होगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल्स टू टू इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ नंबर्स, क्या है पता चल गया आपको। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ए और बी के बीच में अगर हमको अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन टू। ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए बी। हार्मोनिक मीन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, अब आप एक काम करो, ठीक है, अगर आप इस अरिथमेटिक मीन को इस हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आपको ज्योमेट्रिक मीन मिलेगा। कुछ इस ए एम, इस जी एम और एच एम के बीच का रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ए मार्क कर लेता हूं, इसको जी मार्क कर लेता हूं, इसको एच मार्क कर लेता हूं। तो अगर इसको मैं ए जी और एच मार्क कर ले रहा हूं तो मैं काम कर रहा हूं ए इंटू एच को मल्टीप्लाई करके जी स्क्वायर के बराबर प्रूव करने की कोशिश करता हूं। तो देखते हैं ए कितना है, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, एच कितना है, टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और जी कितना है, अंडर रूट ऑफ ए बी। तो अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर कर लो तो स्क्वायर तो ऑब्वियस बात है ए बी दे देगा। यहां ए बाई ए बी कट जाएगा, दो दो कट जाएगा और आपको मिल जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए बी। यानी प्रूफ हो गया कि अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अरिथमेटिक मीन को, किसी दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन को उन्हीं दो नंबर्स के हार्मोनिक मीन से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो उन्हीं दोनों नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये आपको मिल गया ए इंटू एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर। फिर से बताता हूं, किसी दो नंबर्स के हार्मोनिक मीन को अगर आप किसी दो नंबर्स के अरिथमेटिक मीन से मल्टीप्लाई करोगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो उन्हीं दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये आपको मिल गया। अब इसके बेसिस पे आप क्या कह सकते हो, इसके बेसिस पे एक चीज हम और प्रूव करेंगे, वो हम ये प्रूव करेंगे कि मैंने आपसे बात की कि अगर दो पॉजिटिव नंबर है आपके पास ए और बी, तो उन पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैंने शुरुआत में एक चीज प्रूव की थी कि उनका अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। उनका अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, ए विल बी ग्रेटर देन जी होगा। और यहां पे देख रहे हो आप कि ए इंटू जी इज इक्वल टू एच स्क्वायर दे रखा है, यानी जी इंटू जी बराबर ए इंटू एच। ठीक है, ये दोनों बराबर दे रखे हैं और आपको पता है कि ये जो ए है वो इस जी से बड़ा है। ठीक है, ध्यान से दिमाग लाने क्वेश्चन ना, ए इंटू एच बराबर जी इंटू जी है, ए जी से बड़ा है। तो अगर ए जी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है एच को जी से छोटा होना पड़ेगा इस बीच के इक्वल टू साइन को जस्टिफाई करने के लिए। फिर से बता रहा हूं ए इंटू एच इज इक्वल टू जी इंटू जी है, अगर ए जी से बड़ा है, ठीक है, तो एच जी से बड़ा नहीं हो सकता और एच जी के बराबर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये बीच का इक्वलिटी साइन चला जाएगा। तो अगर ए जी से बड़ा है, इफ ए इज ग्रेटर देन जी, तो एच को जी से छोटा होना पड़ेगा इस इक्वल टू साइन को जस्टिफाई करने के लिए। तो इससे आपको एक चीज पता चलेगी कि अगर कोई दो नंबर पॉजिटिव है तो उसके लिए उसका अर्थमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। इस कंडीशन को हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा समझने में मुश्किल है लेकिन हमेशा दिमाग में रखिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू अगेन द कांसेप्ट ऑफ यू नो हार्मोनिक मीन एंड आई हैव इन डिटेल एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। व्हाट आई हैव डन, सपोज ए एंड बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, सो इफ ए एंड बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन आई वांट टू फाइंड आउट देयर हार्मोनिक मीन, सो आई हैव इंसर्टेड वन हार्मोनिक मीन एच बिटवीन देम, सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ एच, सो आई कैन से दैट ए एच एंड बी थ्री आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो इफ ए एच एंड बी आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, 1 upon a, 1 upon h and 1 upon b will be in arithmetic progression, and by using the definition of arithmetic progression I can write it as 1 upon h minus 1 upon a is equals to 1 upon b minus 1 upon h, where 1 upon b minus 1 upon h and 1 upon h minus 1 upon a is equals to the common difference of this particular arithmetic progression. By solving it I get it is minus 1 upon h to the left hand side, it will become 1 upon h plus 1 upon h 2 upon h, and this 1 upon a plus 1 upon b.
So H becomes equals to 2AB upon A plus B. I get the value of harmonic mean as 2AB upon A plus B. Now, you have calculated the way of finding out a harmonic mean. If two numbers are given to me, then the harmonic mean will be 2AB upon A plus B. That is 2 into product of numbers upon sum of numbers. Now here, suppose I have jotted down the arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between two any positive numbers A and B. Please keep in mind that here I am assuming A and B to be positive. Okay, so arithmetic becomes A plus B by 2 between two numbers A and B. Geometric mean becomes under root of AB and harmonic mean becomes 2AB upon A plus B. Now what I am going to do? I am going to find out a relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. So I am denoting this arithmetic mean by A, this geometric mean by G, this harmonic mean by H. And what I am doing, I am multiplying this arithmetic mean by harmonic mean and keeping it equals to geometric mean. Keeping it equals to the square of the geometric mean. Let's see whether it is right or not. Arithmetic mean is equals to A plus B by 2 written here. Harmonic mean is equals to 2AB upon A plus B written here. And this becomes equals to geometric mean whole square. Geometric mean is given by under root of AB. So I done a square of under root of AB, square root of AB square becomes AB. Now this A plus B in the numerator gets cancelled by A plus B in the denominator. This 2 in the denominator gets cancelled by 2 in the numerator. And the quantity which is left on the left hand side is AB and on the right hand side is AB. This means that the product of arithmetic mean into harmonic mean is equal to the square of geometric mean. So you can write that arithmetic mean into harmonic mean is equal to geometric mean into geometric mean. This is a property that I am giving, and I am again assuming that if both A and B are positive. So from this thing I am going to conclude that arithmetic mean will be greater than geometric mean, will be greater than harmonic mean. And why this is happening? This is happening because, I will tell you because, that keep in mind that if arithmetic mean is greater than geometric mean, if arithmetic mean is greater than geometric mean and A into H is equals to G into G, so if A is greater than G, then H cannot be greater than G and H can also not be equals to G. Because if A is greater than G, so in order to balance this equal to sign in between, I have to make this H smaller than G. I will again repeat this. If this arithmetic progression A, arithmetic mean A is greater than the geometric mean, then this harmonic mean H cannot be greater than this geometric mean. And even this harmonic mean cannot be equal to the geometric mean. This harmonic mean has to be less than the geometric mean in order to bring this equal to sign in the between. So this means that A becomes greater than G becomes greater than H. अब यहाँ पे एक बात आपको दिमाग पे रखनी होगी यार, A और B positive हैं और हमें ये भी मानना पड़ेगा कि जो A और B हैं, ठीक है, ये दोनों unequal भी हैं. क्योंकि अगर आप A और B को बराबर मान लेते हो, मान लो A को भी 2 मानते हो, B को भी मान देते हो, तो arithmetic mean की value क्या हो जाएगी? 2. geometric mean क्या हो जाएगा? 2 into 2 4 और 4 का under root 2. और harmonic mean क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 8 और 8 upon 2 plus 2 यानी 4, 8 upon 4 2. तो अगर आप A और B जो दो टर्म्स ले रहे हो, ये जो मैंने बता दिया ये पॉजिटिव है और ये अनइक्वल भी होंगे, क्योंकि इक्वल ले लिए तो फिर यहां पे इक्वल्स टू साइन हो जाएगा. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन हो जाएगा. ठीक है, तब ये चीज चली जाएगी. यानी यहां पे दो कंडीशंस है, A और B आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है और दूसरी कंडीशन ये है कि A इज नॉट इक्वल्स टू B. तो फ्रेंड्स, in order to do this thing, in order to, you know, conclude down to this condition, from this condition, you need to assume that these two quantities A and B are positive and these two quantities A and B are not equals to each other. Because if this A and B becomes equals to each other, suppose A becomes 2, B becomes 2, then arithmetic mean will also come out as 2. Geometric mean will also come out as 2. And harmonic mean, 2 into 2 into 2 upon 2 plus 2, this will also come out as 2. So this will become A is equals to G is equals to H. So in order to conclude this type of equations and use all this kind of concepts, you need to think that both the numbers A and B, they are not equal to each other and they both are positive. These are the two underlying conditions. So friends, अब हम लोग अपने harmonic progression से related जो questions हैं उनको discuss करेंगे और उसके बाद इस video को wrap up करेंगे. तो question number 9 देख लीजिए आप. Question number 9 है, if the ratio of the harmonic mean of two numbers and their geometric mean
इज 12:13, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर्स, यानी कि हार्मोनिक मीन क्या है, 2ab/ab, a प्लस बी, इसका और उनके ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है, ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो क्या है, अंडर रूट ऑफ ab, कितना दे रखा है ये 12/13 के बराबर, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, 2√ab/a+b, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलेगा 6/13 √ab/a+b। अब आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6 a+b = 13 √ab, ठीक है। आप एक काम करोगे, आप दोनों तरफ को कर दो स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 36 a² + 36 b² + 72 ab। 6a+b का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 13√ab का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 169 ab, तो बन गया 36a² + 36b² + 72 ab = 169 ab, ठीक है। अब इसको इधर लिखता हूं तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 36a² - 97ab + 36b² = 0, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि 72 ab और वो 169 ab इधर आ गया, तो 72 - 169 कितना हो जाएगा, 169 काट दीजिए तो 72 में 3/100 में से 3 और काट दीजिए तो -97 हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, एक काम करिए, इस इक्वेशन में आप बी स्क्वायर कॉमन लो, तो बी स्क्वायर अगर आप कॉमन लोगे तो बी स्क्वायर 0 से तो कट जाएगा, लेकिन आपको यहां क्या मिलेगा, ठीक है, आपको यहां कुछ ऐसा मिलेगा 36, और बेसिकली आप करो ये कि बी स्क्वायर कॉमन मत लो, आप 36b² कॉमन लो, ठीक है। तो इनकेस अगर आप 36b² कॉमन लेते हो तो यहां पे क्या मिलेगा, आपको ये कुछ इस टाइप से मिलेगा कि a/b² - 97/36a/b+1 = 0, ठीक है। तो ये सीधे सीधे ऐसा आ जाएगा a/b² - 97/36a/b, ठीक है, +1, ठीक है, ये मिल गया आपको। अब आप एक काम करो, लेट a/b = r, आपको यही a/b की वैल्यू निकालनी है, इसको आप r मान लो, तो इक्वेशन क्या बनी, r² - 97/36r + 1 = 0। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, -of -97/36 + -b² (97/36² - 4ac, तो 4 × 1 × 1 तो 4 हो जाएगा, अपॉन 2a तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये 97/36 को ऐसे रहने दीजिए, प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट, 36 का स्क्वायर इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 × 36² हो जाएगा, और 4 को भी 2² लिख दीजिए तो 72² हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 97² - 72² / 36² / 2, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो अभी 36² को अगर आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 36 हो जाएगा, यहां भी 36 है, ये 36 नीचे आके 72 बना देगा, तो यहां नीचे तो 72 मिल गया, ऊपर हो गया 97 + - अभी 97² - 72² है, तो a² - b² को आप कैसे ले सकते हो, a - b × a + b, तो 97² - 72² = 97 - 72, ठीक है। एक तो हो जाएगा 97 - 72 और दूसरा हो जाएगा 97 + 72, ठीक है। तो ये 97 - 72 कितना हो जाएगा 25, और 97 + 72 कितना हो जाएगा 169, ठीक है। तो अब ये क्या निकलेगा आपका, ये आपका कुछ ऐसा निकलेगा 97 + - ठीक है, 25 √5 और 169 √13, तो ये ± हो जाएगा 65/72, ये फाइनली मिला आपको, ठीक है। अब एक बार आप क्या कर सकते हो कि
एक बार तो आप प्लस यूज साइन यूज कर लो, एक बार आप माइनस साइन यूज कर लो। जब प्लस यूज साइन यूज करोगे आप तो हो जाएगा ये 162/72, और जब आप माइनस साइन यूज करोगे तो हो जाएगा 32/72। इसको 9 से काट लिया तो 9 8 72, और ऊपर क्या हो जाएगा, 9 9 और 9 8 72, ये 18/8 कितना हो जाएगा, 9/4। ये तो 9/4 हो गया, ठीक है। अगला यहां आ जाते हैं, तो इसको ऊपर नीचे आप 8 से काटेंगे तो 8 4 32, 8 9 72, तो या तो 9/4 आंसर होगा या 4/9 आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, या तो रेशियो होगा आपका 9/4 या होगा 4/9। और ऑब्वियस ही बात है, इसमें ए और बी में कौन बड़ा है, ए और बी के बीच में तो कोई रिलेशन दे नहीं सकता, तो या तो ए अपॉन बी 9/4 होगा या ए अपॉन बी 4/9 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स इज दैट इट इज बी टोल्ड टू मी दैट द रेशियो ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन टू ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन टू ज्योमेट्रिक मीन इज 12/30। सो आई रिटन लाइक दिस, सो इट बिकेम 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 12/3, विच केम टर्म टू आई डिवाइड दिस 12/2, so it becomes 6. 6/13 is equal to under root of ab by 6, cross multiplied it. So this becomes 6 times a plus b is equal to 13 root ab, square on both sides. So it will become 36 into a square plus b square plus 2ab. By opening the bracket, it became 36a square plus 36b square plus 72ab. And right hand side, it was 13 under root of ab, squaring it, it becomes 169ab. Bringing that 169ab from the right hand side to left hand side, it will become 36 square plus of 72ab minus of 169ab, which becomes minus of 97ab, plus 36b square is equals to 0. Now, in order to make my solution a bit easy, what I have done, I have taken 36b square common from this equation. So, when I have taken 36b square common, inside it came a upon b whole square, minus of 97/36, a upon b plus of 1. This 36b square goes in the denominator of 0 and becomes 0. So this becomes a minus a upon b whole square minus of 97/36 a upon b plus 1. I have supposed a upon b is equals to r, and I have to calculate the value of r, because this is the ratio of the two terms. So this becomes r square minus 97/36 r plus 1. Now I have used that formula of quadratic equation. I will be teaching quadratic equation after this. The formula is something like this: minus of b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. What is b square minus 4ac? It was the discriminant. So here, using that formula, I wrote it and minus of minus of 97/36 becomes 97/36 plus minus within bracket b square, that is 97/36 whole square, minus of 4ac, 4 into 1 into 1. So ac becomes 1, so it becomes minus of 4. Now solving this. This 36 square, when it gets multiplied by 4, it will become 36 square into 4. And if we write 4 as 2 square, so it will become 2 square into 36 square, that is 72 whole square. So this becomes 97 square minus 72 whole square upon 36 square. Now, this is 36 square. When this comes out of the under root, it becomes 36. So this 36, both go into the denominator, get multiplied by 2 and become 72. So here I get in the denominator 72, here 97 plus minus 97 square minus 72 square. This becomes 97 minus 72 into 97 plus 72. Because we know our formula, a square minus b square is equal to a minus b into a plus b. So 97 minus 72 becomes 25. 97 plus 72 becomes 169. And its under root becomes 25 under root becomes 5. 169 under root becomes 13. Okay, so it becomes 5 into 13, 65. So it becomes 97 plus minus 65 upon 72. 97 plus 65 will become 162 upon 72, which will become 18/8, which will finally come down to 9/4. And similarly, when we will take it as 97 minus 65, it will become 32 upon 72. Divide both of them by 8, it will become 4/9. So the answer will be, the ratio will be 9/4 or 4/9. And obviously, it can be both of them also, because we don't know the exact relationship between A and B. And we also don't know which one is bigger, A is bigger or B is bigger. So my answer will be either 9/4 or 4/9. And if both of them are given in two different options, then obviously the answer will be none of these. Coming on to my next question. Question number 10. There is a harmonic progression whose seventh term is 1/10. So T7, 1/10. And T12, 1/25. तो यार ये 1/10 और 1/25 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन के हिस्से हैं, एक सातवां टर्म है एक बारहवां टर्म है, ठीक है। तो इसका 20th टर्म क्या होगा हार्मोनिक सीरीज का, तो ये हार्मोनिक में है तो एपी बनाने के लिए, अगर एपी बनाते हो तो 10 और 25 सेवेंथ और 12th टर्म बन जाएंगे एक एपी के। तो अगर 10 सेवेंथ टर्म है एक एपी का और 25 12th टर्म है एक एपी का, तो 5 टर्म का डिफरेंस है। तो 5 टर्म के डिफरेंस की वजह से, यानी 5 टाइम्स कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस है, और ये 5 टाइम कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, 25 माइनस 10 15 के बराबर। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बता चुका हूं, तो डी कितना हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, 3। डी आ जाएगा आपका 3।
उसने पूछा क्या है, उसने पूछा 20th टर्म क्या होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, तो 12वां टर्म 25 है, 12 से 20 पहुंचाने के लिए मुझे इसमें कितनी बार डी जोड़ना पड़ेगा, तो 12 से 20 पहुंचाने के लिए मुझे 8 बार डी जोड़ना पड़ेगा, यानी इस 25 में, इस 25 में मुझे 8 टाइम्स डी जोड़ना पड़ेगा, तो 25 प्लस 8 इंटू 3 बिकम्स 25 प्लस 24, दिस बिकम्स 49, ठीक है, तो ये बन गया आपका 49, तो ये 49 क्या हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा 20th टर्म इस एपी का, इस एपी का अगर 20th टर्म 49 है तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 20th टर्म कितना हो जाएगा, 1/49, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/49. So friends, it has been told that the 7th term of our harmonic progression is 1/10. 10. 12th term is 1/25. So obviously the 7th term of the AP will be 10. And 7th term and the 12th term of the AP will be 25. So 7th and 12th terms are 10 and 25 respectively. How many common difference is there? 5 times common difference is there. So 5 times common difference is equals to 25 minus 10. That is 15. So 1 time common difference will be 15/5, 3. And obviously, if the 12th term is 25 and I want to know the 20th term, I have to add 8 time common difference to this 25. So 8 time common difference will be 8 into 3, 24. That will be added to this 25. So 25 plus 24 will become 49. That is, 49 will be 20th term of this arithmetic progression. So the 20th term of the harmonic progression will become 1/49. Okay, friends. अच्छा आखिरी आप क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं सॉरी आखिरी नहीं सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक और क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 11, इसने बोला है कि एक्स वाई जेड हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो ये दिखाइए कि एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड और जेड अपॉन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अच्छा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस तरीके के सवाल अगर एग्जाम में शायद कम ही पूछा जाए, बट एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को टेकअप किया है। तो अगर एक्स वाई जेड ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई और 1 अपॉन जेड, ये तीनों किसमें होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अब ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को तीनों टर्म्स को एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप इन तीनों टर्म्स को किसी एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं काम कर रहा हूं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कि तीनों टर्म्स को 1 अपॉन z, 1 अपॉन y, 1 अपॉन x को एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और वो कांस्टेंट टर्म है x plus y plus z। तो मैं तीनों को कर रहा हूं x plus y plus z upon x, यहां क्या हो जाएगा x plus y plus z upon y, x plus y plus z upon z, ठीक है। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। फिर एक और प्रॉपर्टी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के तीनों टर्म्स को मैं किसी एक कांस्टेंट टर्म से माइनस कर रहा हूं, ठीक है, मतलब उनके तीनों टर्म्स को मैं किसी से एक कोई कांस्टेंट टर्म सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैं इन तीनों टर्म से एक कांस्टेंट टर्म सब्सट्रैक्ट करूंगा, वो है माइनस वन, तो वन सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस वन कर देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई माइनस वन कर देता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड माइनस वन कर देता हूं, तो देखता हूं उससे क्या मिलता है, मुझे मिलेगा इससे एक्स तो नहीं मिलेगा, एक्स तोड़ जाएगा यहां से, तो ये मिलेगा वाई प्लस जेड अपॉन एक्स, ये मिलेगा एक्स प्लस जेड अपॉन वाई, ये मिलेगा एक्स प्लस वाई अपॉन जेड। तो ये पता चल गया भाई कि ये जो तीन टर्म्स फाइनली मुझे मिले हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो एक एचपी बनाने के लिए आप इनको उल्टा कर सकते हैं, तो उल्टा कर देंगे तो x अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड और z अपॉन एक्स प्लस वाई, ये तीनों किसमें हो जाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। और आपसे उसने पूछा क्या है, यही तो पूछा है कि x अपॉन वाई प्लस जेड, वाई अपॉन एक्स प्लस जेड और z अपॉन एक्स प्लस वाई को हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लगाइए, तो ये तरीका है। Okay friends, so friends, what has been given to me in this question? It is given to me that x, y, z are in harmonic progression. I have to prove that x upon y plus z, y upon x plus z and z upon x plus y are also in harmonic progression. So if this x, y, z are in harmonic progression, then 1 upon x, 1 upon y and 1 upon z comes in arithmetic progression. And we know that if you multiply all the terms of an arithmetic progression by a constant term, the resulting series of numbers will also be in arithmetic progression. So I'm multiplying all of these numbers by x plus y plus z, so it becomes something like this, x plus y plus z upon z, x plus y plus z upon y, x plus y plus z upon x. So this is also an arithmetic progression. Then
from all the terms of this arithmetic progression, I am going to subtract 1, then also it will remain an arithmetic progression. So I have subtracted 1 from all the terms and I got the value as y plus z upon x, z plus x upon y, x plus y upon 2. This is also an arithmetic progression. Now if this is an arithmetic progression, in order to change this arithmetic progression into an harmonic progression, I will reciprocal all the numbers. So it will become x upon y plus z, y upon x plus z, z upon x plus y. So this becomes a harmonic progression and this is what I had to prove. This is solution question number 11. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को. आई एम नॉट श्योर आई विल बी एबल टू फिनिश दिस क्वेश्चन इन दिस मच स्पेस. कहीं इतना स्पेस कम ना पड़ जाए. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एपी में है. ठीक है, मुझे पता करना है कि वाई प्लस जेड एक्स जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाने हैं. अब इनको लाने के लिए यार ठीक है, ये जो तीनों टर्म्स थे, ठीक है, पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप तीनों टर्म्स में एक ही क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो वो नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होंगे. तो मैं ऐड कर देता हूं. मैं ऐड कर रहा हूं पहले नंबर में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, दूसरे नंबर में भी यही ऐड कर रहा हूं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और तीसरे नंबर में यही ऐड कर रहा हूं जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. ठीक है, अब पहले नंबर को सॉल्व करते हैं तो x कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई, z कॉमन लिया तो क्या मिल जाएगा x प्लस वाई. ठीक है, ये पहला हो गया. दूसरा क्या हो जाएगा, तो y कॉमन ले लिया तो y प्लस एक्स, z कॉमन ले लिया तो भी x प्लस वाई वाई प्लस एक्स. तीसरे में देख लेते हैं, तीसरे में आप एक काम करो y कॉमन लो इन दोनों टर्म्स में से x और z, तो ये y हो जाएगा x प्लस जेड, और इस z स्क्वायर और zx में से z कॉमन लो तो z कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा z प्लस एक्स. ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से x और y कॉमन ले लो आप, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा x प्लस वाई एक्स प्लस जेड. ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ये अलग टर्म है, अब अलग टर्म आएगा x प्लस वाई और y प्लस जेड, और ये क्या बनेगा y प्लस जेड और z प्लस एक्स. ठीक है, तो अब ये जो तीन टर्म्स निकल के आए, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. ठीक है, अब अगर ये तीनों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो अगर हम इन तीनों टर्म्स को किसी एक कॉन्स्टेंट टर्म से डिवाइड कर दें तो भी वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे. तो मैं इन तीनों टर्म्स को एक्स प्लस वाई एक्स प्लस जेड, फिर x प्लस वाई वाई प्लस जेड, और प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स को एक टर्म से डिवाइड कर रहा हूं, वो है x प्लस वाई वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स के प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन y प्लस जेड. ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन z प्लस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन x प्लस वाई. क्या किया है मैंने, इन तीनों को डिवाइड किया है x प्लस वाई वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स से, डिवाइड किया है, डिवाइड बाई x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स. ठीक है, तो ये मिल गया मुझे. अब मुझे पता है कि ये जो तीनों क्वांटिटीज है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर ये तीनों क्वांटिटीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो इनका उल्टा किसमें हो जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. तो ये y प्लस जेड जेड प्लस एक्स और ये x प्लस वाई, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा, और यही आपसे प्रूव करने के लिए कहा गया था, हेंस प्रूव. तो फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, यू कैन सी दैट देयर आर थ्री नंबर्स x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, दे आर इन एपी. नाउ आई हैव टू चेंज, आई हैव टू प्रूव दैट दिस नंबर्स y प्लस z, z प्लस x एंड x प्लस y आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव एडेड अ कांस्टेंट टर्म x y x y y z एंड z x टू ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट इट बिकम्स x विद इन ब्रैकेट x प्लस y प्लस z विद इन ब्रैकेट x प्लस y, सेकंड बिकम्स लाइक दिस, थर्ड बिकम्स लाइक दिस, एंड फाइनली आई गॉट दिस नंबर्स एज x प्लस y इनटू x प्लस z, x प्लस y इनटू y प्लस z एंड y प्लस z इनटू z प्लस x. Okay, now what I have done, I have divided all of these three numbers by a constant term. That constant term is x plus y, y plus z and z plus x. Okay, now by dividing by this, x plus y, z plus x gets cancelled out and here I am getting 1 upon y plus z. By dividing this by these three terms, x plus y gets cancelled out, y plus z cancels out and I get 1 upon z plus x. And similarly here, y plus z and z plus x gets cancelled out and I get 1 upon x plus y. So I get 1 upon y plus z, 1 upon z plus x and 1 upon x plus y, an arithmetic progression. And
in order to change an arithmetic progression into harmonic progression, just reciprocal the number. So this becomes y plus z, z plus x, and x plus y in harmonic progression. Hence proved what was given to me in the question. Thank you for watching the video. अगले वीडियो में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करूंगा यार. आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो. बाद में मिलते हैं.